नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अधूरे विकास को पूरा कराने का किया वादा। जी हां, आपको बता दें, भोगनीपुर ग्राम पंचायत के प्रधान पद के प्रबल दावेदार कुसुमा भदौरिया ने जनता के बीच संबोधित करते हुए छूटे हुए विकास कार्यों को पूरा कराने का वादा करते हुए हुंकार भरी। जनता के द्वारा मिल रहे भरपूर समर्थन को देखते हुए विपक्षी उम्मीदवारों में हड़कंप का माहौल नजर आ रहा है। गांव की जनता ने फूलमालाओं से कुसुमा भदौरिया का उत्साहवर्धन करते हुए कैरम बोर्ड पर भारी बहुमत से वोट डालकर प्रधान पद का प्रबल दावेदार मानते हुए वोट देने की बात की। वहीं दूसरी ओर कुसुमा भदौरिया को भोगनीपुर ग्राम पंचायत के प्रधान पद का प्रबल दावेदार मानते हुए गांव की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए कुसुमा भदौरिया को सहयोग किया। आइए सुनते हैं कि भोगनीपुर ग्राम पंचायत के संपूर्ण विकास अर्थात रुके हुए विकास कार्यों को लेकर जनता को संबोधित करते हुए कुसुमा भदौरिया ने क्या कहा। मैं आपका अच्छा, भोगनीपुर ग्राम पंचायत से आपने प्रधान पद के लिए पर्चा डाला है, दावेदारी पेश की है, तो आप कौन कौन विकास को लेकर क्या मुद्दा है और क्या क्या विकास कराएंगे आप? हम गांव के मतलब इससे भी शौचालय हैं, जैसे हमारे गांव में और पानी है, नाली है, नाला है, जो सड़क है, ये चीज में बनाना सब का विकास करना चाहिए। हमारे गांव में कभी ये नहीं हुआ। अगर आप विकास के लिए बात करती, विकास कराना चाहती हैं, तो क्या अभी तक जो प्रधान बने रहे हैं नहीं हुआ, तो विकास हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है, इसीलिए मैं प्रधानी खड़ी। आपने प्रधानी, आप स्वयं खड़े हुए हैं कि आपको जनता ने खड़ा किया? नहीं, मुझको जनता ने खड़ा किया। तो जनता के सपोर्ट, जनता ने आपको खड़ा किया है, तो कल जीतते हैं तो जनता के लिए आप क्या करेंगे? जो भाई है, शौचालय है, सड़कें हैं, जो नाले हैं गाँव की, जो सब है, विकास जो है सो हमको उसको करना है सब। आज आपके साथ जनता इतनी भीड़ में है, आप जनता से क्या गुजारिश करेंगे? जनता से यही गुजारिश करेंगे कि उसको हम सब कुछ सपोर्ट करके सब लोग हम उसका सब सुनती करेंगे। अच्छा, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? कैरम बोर्ड। तो आप लोगों से क्या कहेंगे वोट डालने के लिए, किस में निशान लगाएं? कैरम बोर्ड में।